हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज करवा चौथ है, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं सुबह से शूट पे लग गया हूँ। आज का पूरा ब्लॉग बनाऊंगा, मतलब पूजा से लेकर अभी सुबह से लेकर पूरा दिन क्या किया गया घर में। आज ये कुछ ना कुछ स्पेशल होता रहेगा, तो आज का पूरा ब्लॉग शूट करेंगे और रात में ही अपडेट करेंगे। आज इसको लेट नहीं करेंगे, करवा चौथ वाले दिन ही अपडेट कर देंगे, अपलोड भी कर देंगे। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ महानुभाव को टहलाने, जो मेरे आगे पीछे लगे हुए हैं। उसके बाद आकर आगे की शूटिंग जारी रहेगी। बाय बाय। बज रहे हैं अभी 11, क्योंकि हमारी स्वीट सी घड़ी आप देख सकते हैं, अभी 11:10 हुआ है और अब यहाँ उठा गया है। माँ बेटे अब उठे हैं क्योंकि बाबू ने रात भर परेशान किया है, तो आज लेट में उठना हुआ है। लेट तो उठना हुआ, सब कार्यक्रम लेट में होगा। उधर उनकी तैयारी रखी हुई है, आज धमाका होने वाला है घर में ऐसा लग रहा है, क्योंकि तैयारी जोर शोर से चली है रात भर। चलिए चलते हैं अब इनको टहलाने। चलो गब्बू, चलो 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 चलो, एक्साइटेड तुरंत होते हैं टहलने के लिए। चलिए टहला के लाते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। देखो इनका एक्साइटमेंट लेवल देखो, अभी निकले नहीं हैं लेकिन गेट पे घुसे खड़े हैं बिल्कुल, कि नहीं पहले हम ही निकलेंगे। चलो तोड़ दो गेट, गेट तोड़ दो, निकल चलो। तोड़ो गेट, खुल नहीं रहा है गेट, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो गेट, खोलो खोलो गेट, गबरू गेट खोलो। चलिए टहला देना इंटी, यही निकल जाएगी अभी। अबे साले, अब मैं घर आ गया हूँ और बाबू हमारा तैयार हो रहा है। मालिश वालिश हो चुकी थी, अब इनकी मम्मा इनको फटाफट तैयार कर रही हैं, कपड़े बना रही हैं ताकि ये दूध पी के सो जाएं, हम लोग भी आगे का काम इत्मीनान से कर पाएं, क्योंकि ये जगते रहते हैं तो भैया परेशान तो करेंगे ये बच्चा जो है अभी। और ये मैच इंडिया हार गई है। बाबू अब तैयार हो चुका है, अब दूध पिएगा, मम्मा इनकी दूध पिलाएंगी इनको, धुद्धू पिएंगे, इनकी दीदी बोलती हैं धुद्धू। तो धुद्धू पीने के बाद बबुआ सो जाएगा, फिर आगे के कार्यक्रम शुरू होंगे। और यहाँ पूजा पाठ भी थोड़ा सा चल रहा है, बाबू को भी सुलाया गया है, थोड़े से सो जाएं। आ गए मम्मी की सेवा करने, आ गए तुरंत। इधर आओ घबरू, चलो अंदर चलो। नज़ारे अच्छे हैं, बस दिखते नहीं हैं। कमरे में अंधेरा है ताकि आराम से सो जाए। और यहाँ पे कमरे में भी पूजा पाठ चल रही है, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं। तांत्रिक आया है हमारे घर में। जय हो काली माता की, बउआ मेरा सो रहा है। चलिए बाहर चलते हैं, हटो किनारे लड़की। अब मैं जाऊंगा बाहर अभी, क्योंकि मुझे कुछ बिट्टू के लिए सरप्राइज़ लेना है, क्योंकि पहला करवा चौथ है बिट्टू का। तो इसलिए मैं सीधे शॉप जाता हूं, और ये दिव्या ज्वेलर्स हैं हमारे एरिया के भैया के यहां से मैं शिखा के लिए कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट लेता हूं, जो आप लोगों को लास्ट में मिलेगा भी देखने को। और अभी मैं घर आ गया हूं, बट ये छुपा के रख दूंगा, अभी ये लास्ट में ही ओपन होगा। हाँ, यहाँ पे बिट्टू लग जाती हैं अपनी तैयारी में, जो कलश इनको मिला है उसकी सजावट चल रही है ज़ोर शोर से। काफ़ी सजाना होता है भाई अपने त्योहारों में, यही है, रंग बहुत हैं, रंग हज़ार हैं, आप कैसे उनको सजा सकते हो ये आप निर्भर करता है। तो हर चीज़ को एक अलग तरीके से मनाते हैं। यहाँ पे ये अपनी कला दिखा रही थी, तो मैंने सोचा छत पे मैं अपनी कला दिखाता हूँ, मैंने भी कुछ सुंदर सा बनाया है। और नज़ारे देखिए अब आप छत के, सबके यहाँ कुछ ना कुछ बन रहा था। पीछे मामा का घर है हमारे एक, उनके यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे देखिए बड़ी सी छत पर ऐसे रंगोली टाइप बना रहे थे, इसमें पूजा होती है। और वो हमारे रोहित भैया के यहाँ भी बन रहा है बगल में, अभी उनको भी दिखाता हूँ। रोहित भैया अब तो उड़ से यहाँ हिला रहे हैं, वो देखिए खड़े हैं। भाभी जी जुटी पड़ी हैं बेचारे, इन्हें की हेल्प करा दें, भाभी जी अकेले जुटी पड़ी हुई हैं। वाह रोहित भैया वाह। और यहाँ पर नीचे शिखा की तैयारी शुरू हो गई थी अपनी तैयार होने की, तो मैंने कहा लो इसको भी मैं ब्लॉग में डाल देता हूँ।
सबसे कठिन काम मैंने लाइफ का मुझे लगता है आज किया था कि मैंने गजरा लगाया बालों में, वो भी बहुत सजा के लगाया, परफेक्ट लगाया था, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, अच्छे अच्छे काम कर लेता हूँ। अभी आप फाइनल लुक देखिएगा, बताइएगा मैंने गजरा कैसा लगाया है। बाकी कुछ देखना हो ना देखना हो ये ज़रूर देखना कि ये काम मेरा पहली बार था, इतना परफेक्ट था। मैंने कहा कहीं बैठूँ उठूँ क्या दुकान पे, गजरा लगवा ले, गजरा लगाने काम शुरू कर दूँ। ये देखिए कैसा लगा गजरा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताइएगा गजरा कैसा लग रहा है। फाइनल लुक बस सामने आने ही वाला है, दिल थाम के बैठिए आप लोग क्योंकि इसका फाइनल लुक आएगा। और मैंने इतनी इतनी सारी पिने इसमें लगा दी हैं ना, इतनी पिने लगा दी हैं कि बाद में खोलने में बड़ी दिक्कत हमको हुई है। हमने पिन लगाई, हमने पिने लगा कहाँ दी हैं, जूझ के बिट्टू ने खोला है ना इसको, बाप रे बाप। ना जिसके लगा देंगे ना वहाँ, वो दोबारा तो नहीं आने वाला मेरे पास, ये है कि वन टाइम कस्टमर बन जाएगा बस। अब बताइए कैसा लगा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अधूरा लग रहा है कुछ ना? नहीं, पूरा लग रहा है। नहीं, अधूरा लग रहा है। एक सरप्राइज तुम्हारे लिए, आगे बंद करो, बताया नहीं, ठीक है? खोलना नहीं, पक्का? अब सही है ना, तीनों लड़े अच्छा लग रहा ना? वाह, थैंक यू, बहुत सुंदर है। वाह, मुझे ऐसा चाहिए भी था, चोकर वाला। इधर दिखाओ, पहले इधर दिखाओ, इनको दिखाओ कैसा लग रहा है। बहुत करा, एक नंबर। फिर पूजा शुरू हो गई, भाभी और मिट्टू ने पूजा शुरू करी, दीदी भी आ गई थी, जीजा जी भी आ गए थे, सब लोग यहीं पर थे। और साथ में परिवार, जब साथ में सब आ जाते हैं तो अच्छा लगता है, माहौल हो जाता है, बच्चे अच्छे सब आ जाते हैं। क्योंकि मम्मी पापा अभी यहाँ नहीं हैं, वो बाहर गए हुए हैं यात्रा पर, इस समय जगन्नाथपुरी में थे, तो इस वजह से थोड़ा अधूरा लग रहा था। क्योंकि अगर मम्मी पापा घर में नहीं होते हैं तो एक पूजा का वो माहौल नहीं बन पाता है जब आपके बड़े साथ में नहीं होते हैं। बट पूजा तो होती है, पर लेकिन बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, उसके बाद ऊपर गए जहाँ पे और पूजा होनी थी, फिर एक छोटा सा पैराशूट बना के चलो इसको भी उड़ाते हैं। भाई पहले उड़ा चुका था, मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैंने भी उड़ाया एक पैराशूट। मुझे उड़ाने में बड़ी देर लगी लेकिन जा ही नहीं रहा था ऊपर। दो बार ट्राई किया मैंने कि शायद ऊपर जाए। फिर भाई ने कहा कि इसको भरने दो थोड़ी सी हवा इसमें, और तभी ऊपर जाता है। मतलब अगर आपके यहाँ से सही से नहीं गया किसी घर में जाके जलता तो गया, उसके घर के ऊपर क्या रखा है, कैसे जलने वाला कुछ आइटम पहले से रखा हो, ये जाके बस आग लगाना बाकी रह गया था। और इसको छोड़ा एक बार मैंने और पहला प्रयास नाकामयाब रहा। पकड़ और इस बार ये गया, अब चला गया। डर लग रहा, लग ही रहा था कि यार नीचे ना आ जाए कहीं वापस, लेकिन चला गया। लेकिन दूर जाके अच्छे लगते हैं ऐसे, जैसे नहीं पहले मुनचुआ आ रहा है वो देखो, मुनचुआ बहुत पहले हम लोग छोटे छोटे थे, मुनचुआ चलाता, मुनचुआ आ गया, मुनचुआ आ गया, हटो वो हटा के ऐसे लगता। और ये मेरा बउआ भी देख रहा है। फिर मैंने एक बम भी ट्राई किया जुगाड़ में।
अब यहाँ इंतजार हो रहा है कि हे चंद्रमा जल्दी निकला, क्यों तड़पा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया आप सब लोग। चांद बाबा निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। वीडियो और इसमें सबको दिखाते थे कि कितना इंतज़ार करा जाए, कितना आखिर, क्योंकि 7:40 का टाइम था और टाइम काफ़ी ऊपर हो गया था। फिर यहाँ पे जब चांद जी निकले तो फिर पूजा शुरू होती है। मेरा पहला ही करवा चौथ था, मैं भी इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा था जैसे सब लोग करते हैं। शिका ने चंद्रमा की पूजा करी, मैंने भी थोड़ी सी खड़े खड़े हेल्प करी शिका की। खड़े खड़े हेल्प ऐसी होती है, देखो पीछे खड़े हो जाओ हाथ बांध के और हेल्प करते रहो, बस ऐसे होती है खड़े खड़े हेल्प। अब आरती हो रही है कि मैं तो आरती उतारूं रे चंद्रमा जी की, सही गाया ना। तो यहाँ पे आरती होती है चंद्रमा जी की, ऐसे ही पूजा चलती रहती है, आप पूजा सबको पता ही होगा। फिर ये आया आजकल तो ये मेन है, मतलब इसके बिना तो अधूरा है करवा चौथ। देखना पड़ता है भाई, देखो इधर से उधर देखना पड़ता है, निहारना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपनों को ही देखें, दूसरे की मत देखें। और यहाँ चल रही पूजा मेरी और नीचे दीदी अपना कार्यक्रम करती हुई। फिर इनको वहाँ से हटाया गया, इन्होंने पैर छुए, सदा खुश रहो बेटा। फिर किसी ने बोला पीछे से कुछ कि ये कर लो, तो मैंने कहा चलो। हाँ, भगवान को जल नहीं दिया था शिखा ने, तो भगवान को जल दिया गया पहले, क्योंकि पहला करवा चौथ तो भाई धीरे धीरे बताना पड़ता, तो भाभी सब कुछ बता रही थी। फिर आई पानी पीने की बारी, जो एक गिलास में लेके आया था तो कम पड़ गया इनके लिए। शिखा ने कहा था कि पूरी पूरी बोतल चाहिए मुझे पीने के लिए, बहुत तेज प्यासी हूँ। लेकिन अभी मैंने कहा एक ही गिलास पियो, इकट्ठा ना सब पी जाओ। तो इसी के साथ ये ब्लॉग करवा चौथ का पूरा हुआ। आप सही बताएं आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और अपने कमेंट ज़रूर छोड़ें। सभी को राम राम।